हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मानवी ट्यूटोरियल और मैं हूं मंजू मुकेश वर्मा। जो आज की मेरी वीडियो है वो है होली सेलिब्रेशन पे। जी हाँ, हम होली के लिए धोख मारने गए थे गुग्गा मेड़ी, जो कि एक गुग्गा मेड़ी धाम है, वहाँ आज हम दर्शन के लिए गए हैं थे। और हम स्पेशली तो गए थे हमारी सिस्टर के पास, जो कि रामगढ़ में रहती हैं, उनसे मिलने के लिए। बट रामगढ़ से थोड़ी सी ही दूरी पर, कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही है गुग्गा मेड़ी धाम। तो हमने सोचा आते हुए क्यों ना गुग्गा मेड़ी धाम के दर्शन किए जाएं। तो हम रामगढ़ से निकल चुके थे और जा रहे थे गुग्गा मेड़ी धाम की तरफ, और हम पहुँचने वाले थे वहाँ के। दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा अलौकिक लगा, और काफ़ी अच्छा लगा। हमारे सिस्टर के घर हम गए थे साथ में, बड़े वाले भैया, भाभी और उनका बेटा था, और मुकेश थे साथ में। तो हम गए, जैसे ही हम गुग्गा मेड़ी धाम पहुँचे, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, हमने सबसे पहले तो गाड़ी पार्किंग में लगा के प्रसाद लिया, और सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहाँ उन्होंने बताया कि अंदर दो मंदिर हैं, एक तो जो है गुग्गा मेड़ी धाम है और एक है जो उनकी माताजी उनका मंदिर है। तो हमने दो जगह प्रसाद लिया था, एक गुग्गा मेड़ी बाबा का और एक हमने लिया था उनकी माताजी का, जो कि माता की चुनरी थी। तो हमने यहाँ प्रसाद लेके हम मंदिर की तरफ निकल दिए थे, मंदिर की तरफ दर्शन के लिए हम चल पड़े। काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे होली सेलिब्रेशंस भी चल रही थी, लोग बहुत ही अच्छा गुलाल से खेल रहे थे। यहाँ पे ये मंदिर है जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मन्नत पूरी होने की हवन भी करवाते हैं। और हम मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे थे तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमने एक झांकी देखी, जहाँ पे शायद लोगों ने काफ़ी मन्नत मांग रखी थी, और कहीं पे चुनरी और कहीं पर ये जो ब्लू कलर का झंडा है ये बांध रखा था। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, जिस तरह अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए स्पेशल ऐसे मार्किंग की हुई थी कि आप डिस्टेंस में ही चलें। तो यहाँ पे हम फैमिली वाले थे इसलिए हमें जरूरत नहीं थी, और हम श्री गोगा जी गोगा मेड़ी धाम के मंदिर में बिल्कुल एंटर कर चुके थे। अंदर जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर हम किसी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल तन मन धन सब, मतलब सब कुछ अपना ध्यान बिल्कुल उस टाइम ऊपर वाले उस परमात्मा के साथ मिला होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाके वीडियो पहले स्टॉप कर दी थी, और हमने अंदर जाते ही यहाँ पर दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं फ़र्स्ट टाइम गुग्गा मेड़ी धाम गई थी और काफ़ी अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से प्रसाद दे रहे थे और प्रसाद हम लोग चढ़ा रहे थे, काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप लोग इस तरह से चुनरी बांधिए अगर आपकी कोई मन्नत है, तो हमने यहाँ पे चुनरी बांधी थी और अपनी जो भी मन्नत थी, अब भगवान करे जल्दी से पूरी होए और हम नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर आएँ। हमने चुनरी बांधी और हम बाहर की तरफ चल पड़े थे। ये मेरा नेफ्यू है जो कि मस्ती करता जा रहा है, काफ़ी हमने इंजॉय भी किया, काफ़ी पिक्स ली यहाँ पे। अब हम यहाँ से बिल्कुल जो दूसरा मंदिर था जो माता जी का था वो यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखा था, तो लोग ऐसे ही बिल्कुल बाहर ही जो उनकी जो बैक वॉल लगा सकते हैं आप, वहाँ पे दर्शन कर रहे थे, माथा टेक रहे थे अपनी श्रद्धा के अनुसार। ये बैक होल है जहाँ पे सबने छापे से मारे हुए हैं, अपने हैंड प्रिंट बनाए हुए हैं जो कि मैंने भी बनाए थे होली के कलर के साथ। और ये अंदर देखेंगे आप, यहाँ पे है माता जी का मंदिर, यहाँ पे हमने दर्शन किए, बाहर से ही दर्शन किए और फिर हम दुकानों की तरफ निकल चुके। हमने कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया, अपने लिए लिया, और यहाँ से हम फिर निकल चुके थे हिसार की तरफ, घर की तरफ। जो आज का होली था, मतलब सेलिब्रेशन तो शायद हमने नहीं किया एक्चुअल में, बट जो भी था बहुत अच्छा था। सिस्टर से मिल के आए, बाबा जी के गोगा जी महाराज के दर्शन हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।